सभी आपके साथ है, ये पहली बार हम लोग ऐसे देख रहे हैं। और ये अल्लाह जानता है कि किसी को भी एक रुपए देके नहीं लाए, सब जो है आपकी मोहब्बत में आए लोग। दादा हमारा सिर्फ इतना है कि अगर अल्लाह आपको खासदार करे, हम आपके पीछे है ही। हमारे तामापुर को जो है 7 तारा लागू ऐसे सलम बस्तियां बहुत है आपके शहर में, तो हमारे आपसे एक ही निवेदन है, अगर अल्लाह आपको वहां पे भेज दे तो हमारे हक के लिए, हमारे 7 तारा के लिए जरूर लड़ना, ये आपसे विनंती है। और आपको इधर कुछ देखने की जरूरत भी नहीं, इंशाल्लाह सब संभाल लेंगे। सिर्फ जो साहित्य बनने वाला है प्रचार वगैरह को हमारे पास पहुंचाना, बेफिक्र हो, यहाँ पे एग्जैक्ट तक मत तुम्हारे को ही मिलेंगे। दो शब्द बोल के आपकी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद दादा। तुम्हाला सांगतो की तुम्ही 7-12 ची तयारी करा, कारण करण दादा खासदार होणार आहे। जो दादा करण दादासाठी आपला शिवसेना पक्षात प्रवेश केला, तर भाजपा सोडून व आपल्या उद्धव साहेब सावंत साहेबांच्या शब्दामुळे त्यांनी करण दादा उमेदवारी दिली व आपल्यासाठी आपल्या ताकदीने खांद्याला खांदा होऊन फिरणाऱ्या आमच्या ऍडव्होकेट ललिताबाई पाटील यांच्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या वाजवतं। मी पहिल्यांदा विनंती करतो आपण आपल्या 2 मिनिटात मार्गदर्शन करावं। कैसे हैं आप लोग? माहौल कैसा चल रहा है? आवाज नहीं आ रही आपकी? सब तरफ मसाल ही मसाल है। सम्माननीय मंच, मुझे सिर्फ 2 ही मिनट दिए गए हुए, इसलिए किसी का अभी 5 बढ़ दिए, 3 मिनट बढ़ा दिए। तो सबका नाम नहीं लूंगी, लेकिन जो हमारे मातोश्री में बैठे हुए मसीहा हैं, मसीहा ही है ना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी, उन्होंने भेजे हुए हमारे एक एंजल जो हमारे साथ पूरे 6 महीने से लेकर 13 तारीख तक इसी जलगांव में बैठे हुए हमारे सबके प्यारे सावन साहब और हमारा छोटा भैया जो महाविकास आघाड़ी का अभी उम्मीदवार बना हुआ है, वो करण पवार, हमारे सारे मंच पर बैठे हुए सारे भाई लोग, महाविकास आघाड़ी के सारे सम्माननीय सदस्य और मेरी सारी प्यारी बहनें, सामने बैठे हुए मेरे सारे दिल में रहने वाले तांबापुर के लोग, जिन जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जो कहीं कट्टे पे बैठे हुए हैं, जो मेरी बहनें किसी दरवाजे के पास में खड़ी हैं, हमें सुन रही हैं, उन सारों को मैं दिल से सलाम करना चाहूंगी। लोकसभा का चुनाव आने वाले 13 तारीख को होने जा रहा है। आप सभी लोग भारत देश के रहवासी होने के नाते सब जानते हैं कि भारत का गणतंत्र एक लोकशाही का गणतंत्र है, और इस लोकशाही में हम सबको वोट करने का अधिकार मिला हुआ है। वोट देने वाले कौन हैं? हम लोग हैं। अधिकार किन्होंने दिया है? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं। इस देश के फादर कौन थे? महात्मा जी। और कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, जिनकी वजह से हमारे गली का हर एक नौजवान जो कि 18 साल पूरा किया, हमारी बहन जिनके 18 साल पूरे हो गए, उन सभी को वोट करने का राइट दिया हुआ है। अगर इस पूरे भारत में कहीं हमने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आप किताब उठा ले, तो इसमें ही और शी, वो और वो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। कोई भेद नहीं है, किसी जाति धर्म का भेद नहीं है। फिर भी परसों का भाषण सबने सुना होगा, जो हमारे बूढ़े बाबा जिनकी पैरों तले जमीन खिसक गई, 2 फेज पूरे हो गए, 370 का मामला भी नहीं चला, ना कि रामलल्ला का जुमला भी नहीं चला, और आगे आने वाले तीसरे फेज में जो 7 तारीख को मतदान हो रहा है, उस मतदान के लिए क्या मुद्दे उठाए, आने वाले और 13 तारीख के मतदान के लिए क्या मुद्दे उठाए, कोई मुद्दे बचे नहीं है उनके पास, क्योंकि नौटंकी आपको पता है ज्यादा देर तक नहीं चलती।
शुरू करें। नौटंकी ज्यादा देर तक नहीं चलती, कितनी बार आपका चेहरा बदलोगे, कितनी बार, जब भी जी चाहे, क्या बात है, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे बसा लेते हैं। अभी ये आप लोग पहचानो, तालियां बजाने का वक्त नहीं है, ये वक्त समझने का है कि जिन भारत में हमारा हक है, जो बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें दिया हुआ है, उन लोगों को घुसपैठ कहने का अधिकार ये बाबा को किसने दिया, मैं पूछ रही हूँ आपसे। कहा तलाक का जो मुद्दा उठाया गया, वो तलाक देने के बाद में पूरे संसद में जय जयकार की गई, माइनॉरिटी वालों के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, तीन तलाक बंद कर दिया। अरे, और उसके बाद में ये सब लोग घुसखोर हो गए, जब भी मन में जो भी बात है जब बोल ही दिए, क्यों बोल दिया। और हमारी जो बहनें यहाँ पर बैठी हुई है जो मुझे सुन रही है, ये सारी भारत की मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएं, सबको बता दूं कि अभी कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो सीधे हमारे मंगलसूत्र पे हमें, अरे हमारा मंगलसूत्र तो कब कहां लूट लिया आप लोगों ने, कब लूटा हमारा मंगलसूत्र, कब लूटा, कब लूटा हमारा मंगलसूत्र, कोरोना के टाइम पे हमारा मंगलसूत्र लूट गए, जब हमारे पास पैसे नहीं थे इलाज के लिए तब हमारा मंगलसूत्र लूट गया, शिक्षण के लिए, शिक्षा के लिए इतनी महंगाई बढ़ गई कि तब माओ ने हमारे गहने बेच दिए, मंगलसूत्र बेच दिया, कोई घर में बीमार पड़ा हमारी बहनों ने मंगलसूत्र बेच दिया, हमारा मंगलसूत्र तो कब का गिरवी पड़ा। और जब मणिपुर चल रहा था, मणिपुर की बेटियां रो रही थी, आज तक के कितना दिन हो गया, आज तक के मणिपुर का एक शब्द भी नहीं बोला, और कल क्या बोले अमित शाह, क्या बता रहे थे कि नारी का अपमान हम कतई नहीं सहन करेंगे। अरे फिर मणिपुर क्यों नहीं गए, ये पूछो ना उनसे, मणिपुर की बेटियां बेटियां हैं, और फिर बाजू की जो संदेश खाली की बेटियां वो बेटियां हैं। अरे कहीं भी जाओ भारत में, कहीं भी घूमो, जो हिंदुस्तान में पूरा पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, किसी भी जाति धर्म की नारी हो उसकी इज्जत एक ही रहती है, तो पर मणिपुर और संदेशशाली में फर्क करने के लिए इन्होंने क्यों किया, ये पूछो उनसे, पूछो उनसे। नहीं है जवाब, बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं, नहीं है जवाब, और देना भी नहीं चाहते, तो अभी क्या नुस्खा निकाला कि जो मनमोहन सिंह बात करते रहे वो टाइप की बात अलग थी, लेकिन अरुण जेटली का स्टेटमेंट भी तो आप लोगों ने सुना होगा, अरुण जेटली जी ने क्या कहा था कि फॉरेन में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उन सब लोगों का जो भी है वो खर्चा कैसे चलता है, कि जिनके पास ज्यादा संपत्ति बटोर के रखी है वही संपत्ति उनके दिए जाती, तब वो कहा गए थे, अभी लोगों को चित्र बना रहे हैं, अलग अलग नौटंकियां कर रहे हैं, तो मैं ये जलगांव वासियों के लिए ये कहना चाहूंगी, इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये नौटंकी अभी तीसरे फेज में, चौथे फेज में बदलती रहेंगी, इसलिए हम लोग अलर्ट रहेंगे, तालियां नहीं बजेंगे, तालियां जब बजेगी इतनी जोर से तालियां बजेंगी, 4 जून को जब जलगांव लोकसभा का नतीजा निकलेगा वो अंजाव दिल्ली तक जाएगा, वो तालियों की गूंज दिल्ली तक जाएंगी, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में जो हमारे मसीहा है उन्होंने ली हुई इतनी सारी मेहनत, जो आपको मैं गुजारिश करूंगी, जो भी जब उन्होंने वर्षा बंगला छोड़ा था, वर्षा बंगला किसी के कहने पर नहीं छोड़ा था, लेकिन सत्ते की हाव भी नहीं थी, और सत्ता छोड़ते वक्त जब उद्धव साहब निकले वर्षा बंगला से लेकर मातोश्री तक, पूरी बंबई में दोनों तरफ रास्ते के दोनों तरफ मेरे कई मुंबईकर खड़े थे, सब देख रहे थे, अरे यही तो एक मसीहा है, तब बहुत लोगों को सावन साहब पता चला।
क्या चीज है, और इसीलिए पूरा महाराष्ट्र आज पूरा महाराष्ट्र उनकी तरफ देख रहा है। महाविकास आघाड़ी के लिए खुदा न खास्ता ईवीएम में कुछ हो गया मौलवी जी तो क्या करेंगे। अल्लाह को यही दुआ करो कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी ना हो और हमारे सारे महाराष्ट्र में जितने भी महाविकास आघाड़ियों के सारे उम्मीदवार हैं वो बहुत सारे मतों से विजयी हो जाए, यही अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। और भी लोगों को बोलना है होगा कि ये मशाल जो हमने हाथ में ली हुई है ये मशाल उजाले की तरफ ले जा रही है। जो अंधेरा 10 सालों से था, जो उनके लिए ट्रेलर है 10 सालों का, तो पता नहीं पिक्चर कितनी आगे चलेगी, हम सब लोग मर जाएंगे। और इसीलिए अगर हमको बहनों को अगर बचाना चाहते हो तो आपको मशाल का परचम हर जगह लहराना होगा। और कौन क्या बोलता है विष्णु भाव, क्या बोला पहले 5 लाखों से हमारी सीट आएगी, अभी आज का स्टेटमेंट देखो क्या है कि पता नहीं सकते कि महाराष्ट्र में ऐसा तो नहीं बोल दिया कि 50 सीट आ जाएंगे, है तो 48 ही, लेकिन ऐसा नहीं बोला 50। आज का स्टेटमेंट किया कि हमारे महाराष्ट्र में ऐसे नतीजे आएंगे कि बोल ही नहीं सकते क्योंकि अभी बोलती बंद हो गई है। तो उनकी तरफ ध्यान मत दो, मैं तो उनका नाम भी नहीं निकालूंगी। उनसे लेकर तू लेकर बाल करे हमारा एक बच्चा है तौसीफ शेख जो आसिफ भाई का कजन है, उसने नेशनल रिस्पेक्टेड टाइम से गुजारिश करता हूँ कि फूल लेकर उत्तर से बात। अपने को एक देश के अंदर एक ही जवाब देना है, एक जातिवादी गवर्नमेंट को अपने को जो भीमराव साहब अंबेडकर ने एक संविधान के अंदर अधिकार दिया है वोट का, ये अधिकार साधा नहीं है मेरे भाइयों। ये जो अधिकार है जो करण बाला साहेब पाटिल को एक वोट का अधिकार है, ये एक वोट का अधिकार हमारे अजहर भाई को भी है। तो हमारा कीमती वोट जो है आने वाली 13 तारीख को वायली जाने वाला, और अपने को 100% वार्ड क्रमांक 15 और 14 से तामापुर से भारी मतों से यहाँ पे हमारे को लीड देके करण दादा पवार के हाथ मजबूत कर रहे हैं। और 13 तारीख को जो भी अपने शादी ब्याह काम धंधे इनको सब कुछ छोड़ के अपने को यहाँ पे बहुत ही इमीडिएटली काम है, क्योंकि अपने देश के भवितव्य का सवाल है। देश के अंदर उनके मंसूबे बहुत खराब है मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, समझ लो ये आने वाले 5 साल के अंदर देश के अंदर बहुत खराब बिगड़ पाल करने वाले हैं। देश के अंदर काले कानून लाके ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है भाई, ये बात समझ लो मेरे ईमान वाले भाइयों, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो अपने शरीयत जो अपने राइट से ये इससे सब खत्म हो जाएंगे और अपनों को कॉमन सिविल कोड के ऊपर चलना पड़ेगा। तो अपनों को इसका जवाब जो है शब्द से चिल्लाने से शोर शराबे से नहीं देना, इसका जवाब अपनों को आने वाली 13 तारीख को मतदान देंगे, बटन दबा के मोदी के मुंह के ऊपर तमाचा मार रहे हैं मेरे भाइयों। महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार आदरणीय करणदादा पाटील पवार, अनुक्रम क्रमांक 1 निशाणी मशाल येत्या 13 तारीखला होऊ घातलेल्या निवडणुकीमध्ये जे उमेदवार आहेत ते या ठिकाणी उपस्थित आहेत। हमारे सेनापति जो हमारे हमको मजबूत बनाते हैं वो आदरणीय संजय जी सावंत साहब, और हमारे महाविकास आघाड़ी के सब पदाधिकारी जिन्होंने ठान लिए अभी लड़ेंगे, अभी रोएंगे लेकिन लड़ेंगे, लेकिन ये लड़ाई तभी पूरी होगी जब आप जैसे सैनिक हमारे साथ होंगे। इसीलिए आप सब मेरे भाई यहाँ उपस्थित, मेरी बहने मेरे भैया, आप सबको एक ही गुजारिश है कि जो ट्रेलर अभी दिखाया है करण दादा आपको मैं बोलती हूँ, यहाँ पे कोई भी भाड़े पे नहीं है। 5 बजे से हमारी प्रचार रैली शुरू हुई तब से इतनी भीड़ थी कि अगर विरोधक देखते रहेंगे तो देखते उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये हमारा तामापुर का प्यार है, 15 सालों से हम लोग यहाँ अच्छे मतदान से आ रहे हैं। 15 सालों से मेरे पति, 10 सालों से मैं,
इनका आशीर्वाद ऐसा है क्योंकि तांबापुरी पवित्र भूमि है। यहाँ पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है। यहाँ सभी धर्म और जाति के लोग रहते हैं और सबकी दुआओं से ये हमारा तांबापुर बहुत पवित्र हो गया है और उनकी दुआओं में इतनी शक्ति है कि ये शहर से ज्यादा मतों से हमें चुन के ला सकते हैं। हमारा बोलो तो हम 15 साल से यहाँ है, 15 सालों से मुस्लिम भाई बहन का प्यार हमारे साथ इतना है कि जलगांव शहर से सबसे ज्यादा औरतों से वही चुन के आई थी। इन्होंने ठान लिया था कि मेरी दीदी को अच्छे से अच्छे ज्यादा से ज्यादा और देने हैं, तो शहर से जितने भी शिवसेना के खड़े थे सबसे ज्यादा और मुझे मिले थे। ये प्यार हमारा तांबापुर का है। यहाँ पे पहले तो सब वक्तों ने बोल दिया है कि हमें कैसे मोदी को हटाना है, क्योंकि अभी हमारा आरक्षण की भी बात हो गई है, मुस्लिम को हम आरक्षण नहीं देंगे ये भी बात चल रही है, लेकिन हमको हमारे आरक्षण के लिए भी लड़ना है। अल्पसंख्यक के लिए जो योजना है वो हमें लानी है और इसके लिए लड़ने के लिए हमें तरुण तड़पदार ऐसा नेतृत्व होना जरूरी है जो हमारे करण दादा के पास है। अगर करण दादा को हम भेजेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारा घर के जो हमारे फैमिली मेंबर को हम वहाँ भेज सकते हैं। विरोधक बोल रहे हैं कि उम्मीदवार को देखकर वोट मत करो, मोदी को देखकर वोट करो। अगर हमारे शहर में कुछ प्रॉब्लम है, MRDC का विस्तारीकरण करना है, कुछ प्रोजेक्ट लाना है, तो हम मोदी के पास जाएंगे क्या? मोदी साहब को बोलेंगे क्या ये प्रोजेक्ट करना है? इसके लिए हमें अपना एक लोकशाही के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए हमारा अपना उम्मीदवार होना जरूरी है। इसीलिए आप सबको आज मैं आप सबको एक विनती करती हूँ, जैसे आप हमें दुआ में याद करते हैं वैसे हम करण दादा को दुआ में याद करेंगे। करण दादा पवार के चुनाव के प्रसंग उपस्थित हुए हमारे सबके नेते माननीय संजय जी सावंत साहब, अपना उम्मीदवार करण पाटिल, सम्माननीय व्यासपीठ, सामने बैठे हुए सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ माता बंधु भगिनी, आधीच्या वक्त्यांनी आपल्याला सांगितलेला आहे की आपल्याला करण पवार पाटील हे उमेदवार का म्हणून आपल्याला निवडून द्यायचे आहे। आजपर्यंत 2014 पासून तर आजपर्यंत ज्या ज्या घोषणा भाजपच्या माध्यमातून झाल्या त्या खोट्या घोषणा आजपर्यंत झालेल्या आहेत, जनसामान्यांपर्यंत त्याचा फायदा पोहोचलेला नाहीये। आपल्या सामान्य नागरिकांचा आवाज जर आपल्याला संसदेत पोहोचवायचा असेल तर आपण असा तरुण तडपदार माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब आणि तसं म्हटलं तर संजय सावंत साहेबांनी हा निवडलेला उमेदवार, हा युवक आपल्या समोर एक उमेदवार म्हणून दिलेला आहे। एक ग्रॅज्युएट असलेला उमेदवार आहे, 10 वर्ष लोकनियुक्त नगराध्यक्ष म्हणून त्यांनी पारवा नगरीचं नगर परिषद चालवली आहे, जनसामान्याचे प्रश्न त्यांना माहिती आहे, म्हणून आज आपल्याला लघु उद्योगापासून असेल, आज आपल्या जळगाव महानगरपालिकेच्या माध्यमात असेल, जळगाव शहरात असेल, जी उद्योग व्यवसायाच्या बाबतीतली वाटचाल असेल आपण पाहत आहात, MIDC 70-80% बंद झालेली आहे, यांच्या खोट्या वल्गना आपण पाहिल्या आहेत की लघु उद्योग आपण नागरिकांना दिलेले आहेत, यांनी लघु उद्योग जे कागदपत्रीने खूप महत्वाचा विषय असेल की आज उद्योग व्यवसायासाठी आपल्याला जी काही जागा लागत असेल किंवा व्यवसायासाठी आज आपण कुठे फॅक्टरी पडत असेल तर नक्कीच आपल्याला उद्योग व्यवसाय मिळेल, परंतु सरकारचं त्या गोष्टीकडे लक्ष नाही आहे। शैक्षणिक धोरणामध्ये बाबतीत आपण विचार केला, तो गोरगरीब जनतेचे मुलं कुठे शिक्षण घेतील? प्रायव्हेट संस्था या सर्व करण्याचा प्रयत्न त्यांचा चालू आहे, प्रायव्हेट संस्थेमध्ये आपले मुलं कसे शिकू शकतील याचा विचार आपण केला पाहिजे, कारण की ज्या ज्या प्रायव्हेट संस्था असतील त्यांची मनमानी आपण जळगाव शहरामध्ये आपण पाहिली असेल किंवा महाराष्ट्रात भारतात पाहिली असेल की कशा प्रकारे ती फी घेतली जाते आणि त्या माध्यमातून आपले मुलं आपण शिकवू शकू का,
येणाऱ्या पुढील भारताचं भवितव्य आपल्या हातात आहे म्हणून आपल्याला विनंती करतो की माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी मागील काळामध्ये ज्या प्रकारे या महाराष्ट्र सरकारमध्ये महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांसाठी कुटुंबाचा प्रमुख म्हणून माझं कुटुंब म्हणून ज्याप्रमाणे रोजी रोटीचा विषय असेल, रोजगाराचा विषय असेल, जो आपल्याला शेतीचा व्यवसाय असेल, यासाठी सर्व सर्वांना घेऊन चालण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केलेला आहे. आधी वक्ते खूप आहेत बोलणारे, मी आपल्याला आवाहन करू इच्छितो की रणजीत आपले करण पाटील यांची निशाणी ही मशाल आहे. या मशाल आपलं योगायोगाने आणि खरंच अल्लाह आणि देवाला इथे मान्य आहे की आपला अनुक्रम क्रमांक एक आहे. म्हणजे जरी मशिनरी आपल्या जळगाव शहरामध्ये एक नंबर वरती म्हणजे आपण गेल्यानंतर आपल्याला शोधायचं सुद्धा काम नाही, पहिल्या नंबरावरती आपण बटन दाबावं आणि येणारा काळ हा महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून जो मागील 70 वर्षामध्ये असेल विविध क्षेत्राच्या पंतप्रधानांनी काम केलं परंतु त्यांनी काही विकास केलाच नाही का असा प्रश्न आपल्या समोर मी सुद्धा आपल्याला विचारतो. आज आपण कुठे आहात या भूलतापाला बळी पडू नका. येणाऱ्या काळामध्ये रोजगार हवा असेल आणि जर आपल्याला उद्योग व्यवसायाची आपल्याला जर आवश्यक असेल तर नक्कीच आपण करण पाटील यांचे हात बळकट करावे. एवढे 2 शब्द बोलून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मराठी चालेल ना? घोषणा द्यायची एकदा जोरात, जय महाराष्ट्र. होऊ घातलेल्या 2024 लोकसभा निवडणुकी दरम्यान चालू असलेल्या प्रचार रॅली नंतर आज या ठिकाणी असलेल्या आपल्या छोटेखानी सभेप्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय सावंत साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय मुक्ती साहेब, त्याचप्रमाणे सर्व मान्यवर टोला मुलाचे आहेत. तसे आपल्या प्रथम नागरिक जळगावच्या आदरणीय ताई, आदरणीय सुनील भाऊ, आदरणीय कुलभूषण दादा, आमचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय विष्णुभाऊ आणि सोनिया गांधींचं जसं आठवण झाली असेल तुम्हाला सगळ्यांना भाषण करताना, आमचं ललिता ताई सोनिया गांधींसारखा आवाज होतो. आमचे काँग्रेसचे अध्यक्ष आदरणीय श्याम भाऊ, मुकुंद भाऊ, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आदरणीय अशोक भाऊ, शिवसेनेचे अध्यक्ष आदरणीय शरदाबा, उपस्थित सर्वच टोला मुलाचे मान्यवर वेळेअभावी सगळ्यांची नावं घेत नाही. आपण उपस्थित आपल्या सगळ्यांचं प्रतिनिधित्व करणारं सर्व व्यासपीठ आणि जेवणाची वेळ झालेली आहे परंतु आमच्या प्रेमापोटी आपण सारी इथे बसून असलेले सर्व माझे तांबापुरा भागातील तरुण बांधव, ज्येष्ठ श्रेष्ठ नागरिक आणि ज्यांना सभेला येता येत नाही त्या अशा आमच्या माता भगिनी, अनेक मान्यवरांच्या बोलण्यातून त्या ठिकाणी आलं, महागाई असेल, बेरोजगारी असेल, दिलेली आश्वासनं पूर्ण न करण्याची कामं असतील, स्मार्ट सिटीच्या नावाने आपल्याला जे काही जुमलेबाजी केली गेली, अनेक असे मुद्दे अनेक मान्यवरांनी या ठिकाणी सांगितले. परंतु ही निवडणूक जी मेन म्हणजे अनेक लोकांनी आपल्याला सांगितलंय की ही निवडणूक खरं लोकशाही टिकवण्यासाठीची निवडणूक आहे. ही निवडणूक इतिहास करणारी निवडणूक आहे, इतिहास वाचवणारी निवडणूक आहे, भविष्य वाचवणारी निवडणूक आहे. या निवडणुकीला संविधान सुद्धा धोक्यामध्ये आहे, या निवडणुकीला देश सुद्धा धोक्यामध्ये आहे. आपण मला विचाराल कसा, तर आज हेच जातीयवादी लोक जर कधी या ठिकाणी निवडून आले तर हे देशाचे तुकडे केल्याशिवाय त्या ठिकाणी राहणार नाही. आपल्याला देशाचे तुकडे होऊ द्यायचे नसतील तर आपण जे जाती तेढ न मानणारी लोक आज या ठिकाणी बसले आहोत. आपल्याला या निवडणुकीला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे मतदानाचा अधिकार दिलाय ते मतदान अतिशय विचारपूर्वक
आणि प्रभावीपणे या ठिकाणी बजावून आपल्याला हे देश तुकडे व्हायपासून वाचवायचंय, संविधान वाचवायचंय. आपण साऱ्यांनी 10 वर्षांमध्ये वाट बघितली. पहिले 5 वर्ष वाट बघितली की जाऊ दे, अजून 5 वर्ष देऊ. 5 वर्षात काही होत नसेल. 10 वर्षांमध्ये आपण साऱ्यांनी बघितलं, फक्त खोटे आश्वासन, जुंगलेबाजी, याच्या पलीकडे कुठेही आपल्याला काही मिळालेलं नाही. महागाई आज एवढ्या स्तरावर जाऊन पोहोचली की सर्वसामान्य माणसाला जगणं मुश्किल झालेलं आहे. त्यात बेरोजगारी ही मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे. आज GST लागू केला, विचारा आमच्या त्या टपरीवाल्याला, विचारा आमच्या त्या चहावाल्याला, त्याला आज ऑनलाईन पेमेंटच्या ह्याच्यामुळे किती त्रास होतो. त्याला GST लागू व्हायला लागले, त्याला GST भरायची वेळ आल्यानंतर 11-11% GST भरल्यानंतर त्याला हातात काय राहणार? तो बिचारा 5 रुपयात 8 आणा कमवतो आणि 18% GST म्हणजे आज त्याला 1 रुपया भरावा लागणार. ही परिस्थिती सर्वसामान्य माणसाची या ठिकाणी येऊन थांबली आहे. GST लावायची घरेलू गोष्टींवर, ज्याच्यात आपण संसार चालवतो, खाद्यपदार्थ असतात, शेतकऱ्याचा माल असतो, त्याच्यावर GST लावायची काय आवश्यकता आहे का? आज महागाई किती वाढली, पेट्रोलचे दर काय होते, सिमेंटचे दर काय होते, स्टीलचे दर काय होते, हे एवढे वाढवून ठेवलेत. परंतु घरकुल योजनेमध्ये काही पैसे वाढवले का? घरकुल योजनेचे पैसे काँग्रेसच्या काळापासून जेवढे होते तेवढेच आहे. एक नवीन योजना यांनी आणलेली नाही. घरकुल योजना ही काँग्रेसच्या काळापासून चालू आहे, फक्त नावं बदलवले आणि मार्केटिंग जास्त केली. त्या मार्केटिंगवर जेवढा पैसा खर्च केला त्याच्यापेक्षा लोकांना त्याच्यात अधिक पैसे दिले असते तर मला असं 20% अजून लोकांपर्यंत योजना पोहोचल्या. आज घरांच्या किमती वाढवताना घराच्या किमती वाढताय, प्लॉटचे दर वाढताय, सगळी महागाई वाढलेली आहे, सिमेंट वाढतंय, स्टील वाढतंय, परंतु सरकारने त्याचा कुठलाही विचार न करता आहे ते दर त्याच ठिकाणी ठेवले. नुसती ऍडव्हर्टायझिंग, नुसती मार्केटिंग, 2 कोटी लोकांना रोजगार देऊ. इथे 2 कोटी लोकांना रोजगाराच्या प्रश्नावर बोलायला तयार नाही, कोणी काही बोलायला गेलं त्याच्यावर बोलायला तयार नाही. आज प्रश्न आलं अनेक उभे राहिले तर हे आपल्याला आता देश आणि विदेशाचे स्वप्न दाखवायला लागले. काय तर म्हणे, विदेशात आपल्या भारताची खूप उंची वाढलेली आहे. बघायला गेले का तुम्ही कोणी? बघायला जाऊ शकतो का आपण? सर्वसामान्य लोक इथे इथं खायची मारामार झाली आपली, बघायला कोण देशात जाईल तिकडे? तिथून येतात. ही निवडणूक देशासाठी आहे. अरे हो, या देशात जळगाव पण येतो आणि जळगाव तांबापुरा पण येतो. येतो का नाही? आपला देश वेगळा आहे. मग ही निवडणूक देशाची आहे तर ही आमच्या तांबापुराच्या गल्लीपासून आपला देश सुरू होतो. होतो का नाही? आपल्याला या देशाचा अभिमान आहे, आम्हाला पण अभिमान आहे. तुम्ही ज्याच्यावर अभिमान आहे, आपल्या सगळ्यांना अभिमान आहे. आपण सगळे भारतीय म्हणून या ठिकाणी गर्वाने राहतो का नाही? पण या देशाची निवडणूक आहे आणि देशाची निवडणूक म्हणजे या गल्लीपासून बी देश सुरू होतो ना का? इथं काही वेगळे तुकडे केलेले आहेत? इथं नाहीये बा देश. जळगाव येत नाही का या देशामध्ये? मग जळगावचं कोण बोलेल? खानदेशाचं कोण बोलेल? हे प्रश्न आपल्याला त्यांना प्रचाराला आले तर विचारावं लागेल की तुम्ही देशाची निवडणूक सांगताय, आमचा तांबापुरा येतो का नाही या देशामध्ये? आमचं जळगाव शहर या देशात येतं का नाही? आमचा खानदेश या देशात येतो का नाही? हा प्रश्न आपल्या साऱ्यांना विचारावा लागेल. सर्वसामान्यांच्या जीवनामध्ये कोणताही बदल 10 वर्षात ही सरकार घडवू शकले नाही. त्याच्याकरता आता मी आपल्याला सांगेल, ही निवडणूक अत्यंत महत्वाची. अनेक वर्ष जळगाव शहराने, जळगाव जिल्ह्याने भारतीय जनता पार्टीचे 2-2 खासदार निर्विवाद त्या ठिकाणी निवडून दिले. प्रचाराला आले तरी, प्रचाराला नाही आले तरी, काही झालं तरी, ऊन असलं तरी, आपण सभेला बाहेर निघून, मतदानाला बाहेर निघून त्या ठिकाणी मतदान करून एकतर्फी आतापर्यंत भाजपला निवडून दिले. मी आपल्याला एकदाच सांगेन की आम्हाला सुद्धा आता एकदा संधी द्या. अनेक वर्ष आपण भाजपला या ठिकाणी निवडून दिल्यावर एकदा संधी आता आपल्याला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेला, महाविकास आघाडीला द्यायची. रोज तेच खाऊन कंटाळतो ना आपण, पण एकदा थोडीशी चव आता ओळखून बघायची.
एकदा अनेक वर्ष 5-7 टर्म आपण त्यांना बघितलं, आता एक टर्म फक्त आपल्याला यांचा अनुभव घ्यायचा। पहिल्यांदा तरुण उमेदवारी आपल्या मतदारसंघात झाली, याच्या आधी तरुण उमेदवार लोकसभेला, त्याच्या जे आपने देखा क्या जवान उमेदवार देखा था क्या अभी तक? पहिल्या वेळेस पहिली बार हमारे मतदारसंघ में कोई नौजवान कैंडिडेट अभी खड़ा है। सब पहली बार ही आ रहे हैं, नेचुरली पहली बार नौजवान है, पहली बार शिवसेना खड़ी है, एक ही बार संजय मागनी है और पहला नंबर भी आ गया। उधर भी बहुत सत्य का दुरुपयोग होने का कोशिश हुआ, लेकिन सावन साहब हम हमारी सारी टीम वहां पे डट के खड़े रहे तो भी एक दिन लेट नंबर मिला आपने को, वहां भी सत्य का दुरुपयोग, वहां भी सत्ता का दुरुपयोग करने का कोशिश हुआ, लेकिन हमने सबने वहां पे होने नहीं दिया, हमारे अधिकारियों ने होने नहीं दिया और हमारा फिर भी एक नंबर आया। ये सब आप लोगों की दुआ है। मुझे ऐसा लगता है शुरू में हम लोग निकल रहे थे, बहुत बार यहाँ पे बीजेपी सुन के आती क्या करना, लेकिन हम जैसे जैसे बाहर निकले ध्यान में ये आ रहा है कि अभी लोगों ने इलेक्शन हाथ में ले लिया, लोगों ने अभी सोच लिया है कि इस बार परिवर्तन करना है, इसलिए लोगों ने हाथ में इलेक्शन ले लिया है। हमें लोग बोल रहे गांव गांव में घूम रहो, यहाँ पे हमारे सारे लोग है ये शहर में ज्यादा घूम रहे, मुझे वक्त कम होने की वजह से मैं गांव में ज्यादा घूम रहा हूँ, हर गांव में लोग यही बोल रहे हैं यहाँ आने का जरूरत नहीं, आगे के गांव में जाओ, यहाँ आने का जरूरत नहीं, आप आगे के गांव में जाओ, यहाँ पे हमारा गांव अच्छा पूरा आपके साथ में, इस बार परिवर्तन तय है लोगों, क्योंकि लोग अभी बहुत परेशान हो गए, लोग अभी बहुत गुस्से में दिख रहे हैं और लोगों ने सोच लिया है कि जलगांव में परिवर्तन इस बार लाना है। यही उम्मीद मैं आपके तांबापुरा से देखिए रखता हूं कि आप सारों ने इस बार परिवर्तन करना है। मैं आप सबका आशीर्वाद लेने विनती करने आया हूं कि आने वाली 13 तारीख को आप हमारे मशाल चिन्ह के सामने एक नंबर अनुक्रमण का जो बटन है उसके ऊपर बटन दबा के आप सारा लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ में रहे, यही उम्मीद करता हूँ और मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बैठे बोलो लोग से स्टेज पर जलवा फरोज, हम सबके बड़े लाडले बड़े प्यारे शहीद लीडर जिन्होंने भाजपा की नींद उड़ाकर रखी है, जोरदार तालियां ऐसे सावन साहब। हमारे नौजवान करण दादा, देखिए आप चेहरा देखें कितना मुस्कुराता चेहरा है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। चलिए आइए, वक्त कम है और बिल्कुल हम 2020 खेलेंगे, क्या खेलेंगे? मैं धार्मिक व्यू से भी आपके सामने बात रखूंगा कि वोट कितना जरूरी है, मुल्क के हालात कैसे हैं। मैं इस शेर से अपनी बात को शुरू कर रहा हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि आज आ जाए उसूलों पर तो टकराना जरूरी है, आज आ जाए उसूलों पर ताई, आज आ जाए उसूलों पर तो टकराना जरूरी है, और खुदा ने जिंदगी दी है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये देश हमारा है। राहत इंदौरी साहब ने बड़ा प्यारा शेर कहा था साहब, राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, राहत इंदौरी ने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और बीजेपी जो नफरतों की आग लगा रही है, जो हिंदू मुसलमानों में दंगे और फसाद का माहौल बना रही है, ऐसे ऐसे अंधभक्तों से गोबर भक्तों से राहत इंदौरी ने अगला जुमला कहा था कि सुनो आग लगाने वालों, सुनो बस्तियों को जलाने वालों, सुनो हिंदू मुसलमान को लड़ाने वालों, आग लगाने वालों, राहत इंदौरी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। भाजपा के पागलों को हम समझा रहे कि बेटा ज्यादा बावले चाले
क्या समझा है बेटा? ज्यादा बावले चाले मत करो, ये देश बड़ा प्यारा देश, ये सूफी संतों का देश है, ये साधु संतों का देश है। इस देश को हमारे पुरखों ने सजाया था। इस देश के लिए शहीद अशफाकुल्ला, शहीद अब्दुल हमीद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, उन्होंने बड़ी मेहनतों से इस देश को सजाया था और इस देश को गोरे अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि 2014 के बाद नफरतों का जो माहौल बन गया, मॉब लिंचिंग का जो माहौल बन गया, दंगे फसाद का जो माहौल बन गया, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, जवान पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं है, तो ऐसे मौके पर मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादा ने उस वक्त गोरे अंग्रेजों को यहां से भगाकर देश को बचाया था। अब हमको यहां से काले अंग्रेजों को भगाना है। किसको भगाना है? जोर से बोलो, किसको भगाना है? जोर से भाई, किसको भगाना है? काले अंग्रेजों को, जो नफरती फैला रहे। देखो कितना अच्छा लग रहा, मैं करंदाला बैठा, ताई बैठी, कितना हिंदू मुस्लिम बौद्ध क्रिश्चियन सिख ईसाई शरद बहु, कितना प्यारा माहौल अयाजमिया मुद्राबाई सलीम भाई लग रहा है, कितना प्यारा माहौल लग रहा है। इन्होंने आग लगा कर रख दी, इसलिए इंडिया अलायंस बना, इसलिए तमाम पार्टियां एक हो गई। राहुल गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे तक, शरद जी पवार से लेकर सोनिया गांधी तक, और राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऐसे ही शिवसेना, उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये तमाम पार्टियों ने मिलकर यह तय कर लिया कि ये आग लगा रहे हैं। इंशा अल्लाह हम इंडिया अलायंस बनाकर आग लगाने वालों को इस देश से भगा कर रहेंगे इंशाअल्लाह। और अब दादा ये जा रहे हैं, ये जो बावले बातें कर रहा ना, ये बावला तो इसकी बोखलाड बता दी किया जा रहा नहीं समझा है ना। देखो देखो देखो, अब तुमने सिर्फ एक तो बनना क्या क्या बनना, सत्ता आया जोर से, सत्ता आया गया, नमूद आया गया, हमान आया गया, कारून आया गया, फिरौन आया गया, ये भी आया। अरे अच्छे अच्छे चले गए रे भाई, अहंकार खुदा को पसंद नहीं आए, घमंड खुदा को पसंद नहीं है। अरे बड़े बड़े चले गए, वो किसी ने कहा ना, कल जो तन के चलते थे अपने शान शौकत पर, सम्मतक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर, अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंग जू कोरस है और न उसके हाथी है, कर गुनाह से तौबा आखिरत संभल जाए, आखिरत संभल जाए, दम का क्या भरोसा है, जाने कब निकल जाए, जाने कब निकल जाए, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। तू कहता है झोला लेके जाऊंगा, ऐसा कैसा जान देंगे बोले, झोला भी लेकर जाने नहीं देंगे बेटा, झोला भी चेक करेंगे कितने ले जाता है। क्यों? ललित मोदी गया, मेहुल चौकसी गया, और इंशा अल्लाह ये भी, अरे बोलो 13 मई बीजेपी गई, कौन से बोलो 13 मई बीजेपी, 13 मई बीजेपी गई। और याद रखो, ये प्यार भरा माहौल ये खुदा चाहता है, सावन साहब ये रब चाहता है, क्योंकि हमारा सबका पैदा करने वाला, हम जब नमाज शुरू करते हैं सावन साहब तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो सबका पैदा करने वाला है, सबका रब है। सावन साहब का भी रब वही है, मुफ्ती हारून का भी रब वही है, करण दादा का भी रब वही है, लता ताई का भी रब वही है, और सारे इंसानों का पैदा करने वाला वही है। और वो चाहता है कि देश में नफरतें न बढ़े, वो चाहता है कि देश में दंगे फसाद न बढ़े, वो चाहता है कि देश में बेरोजगारी न बढ़े, वो चाहता है कि देश में मॉब लिंचिंग न बढ़े, वो चाहता है कि देश में बेटियों का रेप न बढ़े। इसलिए हमको 13 मई को अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है,
तेरा मैं गौर। और सुन लो एक बात, मैं एक मुफ्ती तुम्हारा धर्म गुरु हूं, यहां से फतवा दे रहा हूं। साहब हमारे यहां फतवा वाला लेन जरा दो, फतवे से बहुत घबराते हो। हाँ बीजेपी वाले बहुत डरते हैं। सुनो तामापुर वालों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं तुमको तुम्हारा धर्म गुरु यह फतवा दे रहा हूं कि 13 मई को अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करना ये आप पर हम पर फर्ज है, फर्ज है। कोई ये मत सोचना मेरे वोट से क्या हो रहा, बहुत हो रहा है भाई, एक से ही गिरता ना, एक से ही आता। तेरा एक वोट बहुत कीमती है। और एक जुमला सुन लो साहब, सावन साहब हमारे प्रेसिडेंट मोहम्मद ने कहा है कि जुल्म को होता देखो तो हास्य रोकने की ताकत है, हास्य रोको। ये हमारे प्रेसिडेंट के अल्फाज है कि जुल्म को होता देखो हाथ से रोकने की ताकत है, हाथ से रोको। आज जुल्म कितना खतरनाक हो रहा है कर्नाटक का वाकया है आपको मालूम है। कर्नाटक में 14 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जिस उम्मीदवार का प्रचार करने के लिए गया था, वो कमबख्त वो शैतान 2000 से ज्यादा महिला और हमारी बहनों का रेप करने वाला निकला। ये नरेंद्र मोदी और उसकी बीजेपी की पार्टी ये रेप करने वालों के साथ खड़ी रहती है। याद होगा आपको कि 2002 में गुजरात में बिल्किस बानो का जब 11 दरिंदे रेप कर रहे थे, उस वक्त इनके सारे लोग थे। और ये बेशरम महिलाओं की इज्जत की बात करते, महिलाओं के सम्मान की बात करते, अरे इन्हीं बेगैरत और बेशरमों ने 15 अगस्त 2022 को वो 11 रेप करने वालों को आजाद कराया। तू है इन पर। आगे मंगल सूत्र की बात करते, अरे तू तेरा मंगल सूत्र को पहुंचा वापस, हमारे मंगल सूत्र की ज्यादा फिकर मत कर। और हमारा मंगल सूत्र इतना कमजोर नहीं है, 3 बार बोले ले कूल है ना। अच्छा एक खास बात, हमारी औरतों की फिक्र सता रही है, अरे तू तेरी औरत की फिक्र करना है अगर हमारी पार्टी जीत कराती है पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में, अगर राहुल गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे के सारे उम्मीदवार जीत कराते तो इंशाल्लाह किसी की माने दूधनी पिलाई के वो यूसी से लेकर आए, कोई कुछ नहीं बिगाड़े ना, है ना। और अपन तो इतना वफादार है कि हमको कोई नहीं निकालने वाला, हम मरते भी तो यही दफन हो जाते, इधर उधर जाते नहीं, कोई हमको निकालने नहीं वाला। इंशाल्लाह आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस दो बातें समझा कर कि प्रेसिडेंट मोहम्मद ने साहब जुमला कहा है कि जुल्म होता देखो तो हाथ से रोकने की ताकत है, हाथ से रोको। तो अभी अपनों को तो हाथ भी इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ उंगलियां करना है। क्या करना है साहब? मैंने जुम्मा के प्रवचन में मुसलमानों को समझाया, करम लो मतलब एक दूसरे को कैसे उंगलियां करते हैं। अरे करते ना भाई रे, क्या करते हमारे एक दूसरे को कैसे उंगलियां करते हैं। तो सुनो उंगलियां करने का शौक 13 मई को पूरा निकाल दे, उंगलियां करने का शौक 13 मई को पूरा निकालना। और जालिम को ऐसी उंगली करना कि दोबारा ये देश पर सत्ता का उसको मौका भी नसीब हो। कहो बोल से इंशाल्लाह, 13 तारीख को भूलना मत। और एक बात, तुमको वरगलाया जाएगा। अच्छा एक खास बात, इनके पास में कुछ नहीं है, ये क्या करेंगे, माहौल भी खराब करेंगे। तो साहब मैंने जुम्मा के प्रवचन में क्या समझाया कि रमजान में अपन ने रोजा रखे थे, हमारे नबी ने प्रेषित ने क्या सिखाया अपनों को कि रोजे में अगर कोई तुमसे बहस भी कर रहा लड़ रहा भी तो उसको क्या बोलो, मेरा रोजा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 7 के बाद मिल दू। प्रेसिडेंट मोहम्मद ने क्या समझाया कि लड़ना नहीं। तो साहब मैंने जुम्मा के प्रवचन में मुसलमानों को समझाया कि 13 मई तक के ऐसा समझ लेना तुम्हारा रोजा है। नहीं समझा, ये तुमको उकसाएंगे, ये दंगे कराने की कोशिश करेंगे, ये फतरे फेंकेंगे और अपनी कौम का जरा तक बहुत जल्दी जोश में आ जाती, फतरे फेंकेंगे, दंगे फसाद का माहौल बनाएंगे, क्योंकि इनके DNA में दंगे फसाद है। नहीं समझा, इनके DNA में क्या है, वो जो अंग्रेजों वाला DNA था कि लड़ो और राज करो, तो गोरे अंग्रेज का भी एक प्लान था और काले अंग्रेज का भी। अरे बोलो, तो डरना मत, सिर्फ शांतता बनाए रखना। 13 तारीख तक के किसी के बहकावे में
नहीं आना, कोई फतरे भी फेंके तो पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देना। कुलभूषण भाऊ, सुनील भाऊ, हमारे धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि आग को आग से नहीं बुझाया जाता है, आग को बुझाने के लिए मोहब्बत पानी की बारिश की जरूरत है। तो आपको अभी आग वो लगाएंगे, क्योंकि आग लगाना ही उनका काम है। वो 15-10 साल में उन्होंने जो कुछ किया, कसम खुदा की उसका जिक्र ही नहीं कर रहे हो। अरे बोलना रे भाई, हम अच्छे दिन आएंगे। अरे दे दे हमको हमारे पुराने बुरे दिन, तेरे अच्छे दिन नहीं होना, वो 450 की गैस हंडी के बुरे दिन हमको दे दे, नहीं भैया वो 65 रुपए के पेट्रोल वाले बुरे दिन हमको, अरे बोलो ना, वो बुरे दिन हमको दे दे। शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं, बेशरम आत्महत्या शेतकरी कर रहे हैं। शेतकरी इस मुल्क का जो है अन्नदाता कहलाता है भाई, शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं। और ये बेशरम, एक साल तक के किसान जो है आंदोलन पर बैठे, मगर इस बेशरम पे बेगैरत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 700 किसानों ने जान दे दिया, मगर इस बेगैरत पीएम ने जो है उन किसानों की एक न सुनी। और आखिरी जुमला सुन लो, कोरोना आया था कि नहीं आया था? अरे बोलो ना, कितने साल आया था? 2 साल। बहुत अच्छा था बेचारा, हो 2 साल आया हो मुकुंदाला, वो बोलो चला 2 साल आया और चला गया। ये 10 साल का कोरोना और ताई, ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मैंने नारा लगाया था उस दिन उस्मानिया पार्क में, क्या नारा लगाया था मैंने, केमिस्ट भवन में, समझे आप, कि जैसे कोरोना को भगाया था तो कोरोना वायरस को जैसे भगाने में आपने काम किया, वैसे ही मोदी वायरस को भी भगाने के लिए काम। कौन सा वायरस? डरो मत, जोर से बोलो, सावन दादा यहाँ पर है, जोर से बोलो, कौन सा वायरस? कौन सा वायरस? हाँ, इसको भगा कर देश को बचाने। और आखिरी बात सुन लो, सावन साहब क्या करेंगे? सुनो सुनो सुनो, हमारी झोपड़पट्टी का एरिया है, वसीम आसिफ का है, अभी ये क्या करेंगे 5 बजे तक के? अरे 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 नहीं समझा, ये बड़ा इलेक्शन रहता वाला, इसमें आते नहीं। ये कौन सा इलेक्शन रहता? वो नगर पालिका का रहता, उसमें चारों तरफ से आते, इसमें आते। अरे बोलो नहीं, क्योंकि ये चाल क्या चलेंगे सर हमारे लोगों को रोकने के लिए? क्या करेंगे? सुनो सुनो सुनो, 1 मिनट, 2-3, अच्छा आसिफ 1 मिनट सुन, ये क्या करेंगे? 10-1 लोगों को लाकर भी दे देंगे, और फिर पूरी गली में हवा आ देना, आने वाले है नहीं। ओ यारो, आखिरी जुमला सुन लो, आखिरी जुमला सुन लो, कि देखो आपको इस देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है। दादा ये क्या कर रहे हैं? सुनो मेरे यारो, डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन तमाम की टीम ने जो मिलकर इस देश का संविधान बनाया, ये संविधान हमारे देश की आन है, शान है, जान है, बान है। और हम इस देश के संविधान को किसी भी हाल में खत्म होने नहीं। अरे बोलो नहीं देंगे। ये क्या करे दादा? 400 हमारी सीटा ला कर दे लो तो हम संविधान बदलेंगे। अरे बेटा, हम ते कुछ बदलने वाले भी किसको बदल ला रहे? हाँ, आज मेरी एक वीडियो आई, चलो रे डोरी, देखे मेरी वीडियो, अंतिम संस्कार, यानी अब क्या हो रहा, अब की बार अंतिम संस्कार, अंतिम क्या रहा ना बीजेपी का, अब की बार अंतिम संस्कार होने वाला है, डोली जाने वाली है और नौरा आने नौरा आने वाला है, मनहूस होकर डोली जाने, अरे बोलो ना, मनहूस होकर डोली जाने वाली है, सभी सो का सुपड़ा साफ होने वाला है। लेकिन ये आपके हाथ में, मैं जवानों से कह रहा हूं, वसीम मियां, आसिफ मियां, जितने भी टीम है, सुनो, हर गली के 5-5, 10-10 जवान तय कर लो, जो हमारे वोट निकालने का काम करें। दादा क्या हो रहा? अभी हम दोष में, लेकिन वोट कुछ नहीं जाएगा तो कैसी क्या होगा, नहीं होगा ना काम, वोट को जाना पड़ेगा। और याद रखो, एक धर्मगुरु होने के नाते सख्त जुमला कह रहा हूं, मैं सख्त जुमला कह रहा हूं कि अगर तुमने 13 तारीख को वोट का इस्तेमाल नहीं किया, और खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, अगर जालिम जीत
जीत कर आ गए तो फिर अल्लाह को बोलना भी मत कि अल्लाह जालिम जीत के आ गए बहुत मार रहे। अल्लाह बोले ना तेरे को मौका दिया था तूने वोट का इस्तेमाल नहीं किया, वोट का सही इस्तेमाल करना और बिकना मत। अभी यावल में सुबह में गया था, कल एरंडोल में गया था साहब, तो मैंने एक मिसाल दिया करण दादा कि हम बिकते कितने में 500। अभी देखो मैं मुफ्ती हारू, मेरा वजन है 50 किलो, कितना है ताई 50 किलो विष्णु भाऊ। अब अगर मुफ्ती हारून 500 में बिक गया तो क्या किलो गया? अरे सेमड़ी मेंढी का वो 700 रुपए किलो है। और अगर तू 500 में गया तो 5 रुपए किलो मिली यार। तो मैंने आज यावल में भी समझाया, एरंडोल में भी समझाया, कल पारोला जाऊंगा कि बिकना मत। ईमान वाला कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा, बिकना मत। और बिल्कुल ताकत के साथ ओढ़ देना और उस दिन अपने तमाम भाइयों को बहनों को निकालना जो घर में बूढ़ी औरतें हैं, बूढ़े मर्द हैं, जिनसे चला नहीं जाता, उनके लिए फ्री में रिक्शा का इंतजाम करना और उनको वोटिंग के लिए पहुंचाना, क्योंकि हमारी वोटिंग होना जरूरी है। वोटिंग नहीं होगी तो ये भाषणबाजियों से काम नहीं चलेगा, उस दिन काम को नहीं लेना चलेगा। लेकिन वोट पहले करना, क्या करना? वोट पहले करना, क्योंकि वोट जरूरी है ना। अच्छा एक बात, वोट खराब मत होने देना। मैंने आज भी सावन भाऊ आपको मैसेज किया, करण भाऊ कि हमको जल्द से जल्द डेमो मशीन ला कर दे दो, क्योंकि हम गली में कल इंशाल्लाह आ जाएगी, हम गली गली जाकर हमारी औरतों को समझाएंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं भाई लाने के बाद में ऐसा नहीं करना है, कलम नहीं लगने वाला, कम से कम 3 सेकंड उस पर उंगली रखना। और हाँ अब 3 सेकंड कम से कम उंगली रखना। अब अपनी औरतों को समझो, 3 सेकंड नहीं समझ रहे, 5 सेकंड नहीं समझ रहे, तो उनको मैंने क्या समझाया, उंगली रखकर बोलना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किस्सा हराम आना, ज्यादा ही गुस्सा है तो कुर्बानी में कैसा करते, बिस्मिल्लाह अल्लाह। अरे समझ क्या बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। और याद रखो, देखो खुदा के फैसले हैं। मैं एक दिन पहले उमेश और ये खड़े थे सब, तो मैंने इनको बोला था कि करण का नंबर हमारे एक नंबर आया, बोला था देखो के पी प्राइम। और दूसरे दिन मुझे इसके ग्रुप से फोन आया कि मुफ्ती साहब करण दादा को एक नंबर मिल गया। तो जब अल्लाह ने मशीन में एक नंबर का बटन दे दिया करण को, इसका मतलब अल्लाह भी चाहता है कि करण जोरदार तालियां बजाए। अच्छा अगर 3-4 नंबर रहता था तो ढूंढना पड़ता था, भेम को समझाना पड़ता था, अभी कुछ मत समझा, भेम को इतना बोलना एक नंबर का बटन बिंदास जागे, एक नंबर का बटन, अरे बोलो ये बिंदास जाकर एक नंबर का बटन दबा दो। अब नारा लगाकर अपनी बात खत्म, आपको सिर्फ नारा लगाना है देश बचाओ। क्या नारा लगाना है? देश बचाओ। बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। अब नारा आपको लगाना है मशाल को। क्या नारा लगाना है? जोर से आखिर तक के जितने बैठे तुम्हारी माटी बस। आखिर तक के नारा लगाना है। मशाल को क्या बोलना है सिर्फ? अरे बोलो मशाल को क्या बोलना है? मेरा और मशाल को, मेरा और मशाल को, मेरे बाबा का और मशाल को, मेरी अम्मी का और मशाल को, मेरे दादा का और मशाल को, मेरी दादी का और मशाल को, मेरे चचा का और मशाल को, मेरी चच्ची का और मशाल को, मेरे खाला का और मशाल को, मेरे खालू का और मशाल को, मेरे मामू का और मशाल को, मेरी मुमानी का और मेरा और मशाल को। बस क्या चलेगी? अच्छा और को दे दो पांच हजार। अच्छा मेरी बीवी का हो मशाल को, सब बोलो मेरी बीवी का हो मशाल को। सब बहुत बहुत अच्छी बात कर रहा है। एक्चुअली मैं उसका बोलते बोलते ऐसा लग रहा था कि मैं भी घर छोड़ के भाग जाऊंगा। तो टेंशन लेना नहीं, वोट का सही इस्तेमाल करना। और याद रखो किसी से आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक बात सुन लो, अगर कोई आपको धमकी दे रहा होगा ये सुन लो मेरे हाथ से, वो जब मैं इलेक्शन में खड़ा था ये डायलॉग मैंने बोला था, याद है तुमको?
अगर कोई हमारे कार्यकर्ता को खराज में लगाए तो उसका अंजाम तुम खुद देखो। पेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपन भी मजबूत है, मशाल भी मजबूत है, और हमारा मसीहा उद्धव ठाकरे भी मजबूत है। और हमारे उद्धव ठाकरे ने क्या नारा लगाया मालूम आपको? ये कह रहे थे अब की बार 400 पार, तो हमारे उद्धव जी ने बड़ा प्यारा नारा लगाए कि बेटा 400 पार नहीं, अब की बार तू तड़ी पार, अब की बार तू तड़ी पार। एक तो उसमें ओरिजिनल तड़ी पार है, दो जोड़ी में एक तो क्या है करण लाला, ओरिजिनल तड़ी पार है। लेकिन अब उन्होंने सत्ता हाथ में लेकर सारे मुजरिमों को गोद में बिठा लिया, हमारी सत्ता आएगी तो गुजरात से लेकर जितने भी जालिम हैं, जिन्होंने मुल्क की दिशा और दशा को खराब कर दिया है, जिन्होंने मुल्क में नफरतों का माहौल बना दिया है, हमारी सत्ता आएगी तो इनसे सबसे हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आखिर में एक बार और जोर से नारा लगा दो, हमारा वोट, पूरा जोर से हमारा वोट, हमारा वोट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाविकास गाड़ी। धन्यवाद, शुक्रिया।